यहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम यामाबी टाकुया होता है। वो 27 साल का होता है और टोक्यो में रहता है। उसकी एक वाइफ होती है जिसका नाम युकारी होता है। टाकुया एक वेब डेवलपर होता है जो कि अपना पूरा दिन डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में बिता देता है। वहीं दूसरी ओर उसकी वाइफ युकारी एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है और वो यूजुअली घर पर लेट ही आती है। एक रात युकारी इसी तरीके से घर पर लेट आती है और वो काफी भूखी थी। वो टाकुया से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए खाना बना दे और वो काफी खिचड़ी हो चुकी थी क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अब टाकुया को अपनी वाइफ के लिए जल्दी से खाना बनाना था जो कि वो बना तो नहीं सकता था, तो वो सोचता है कि वो जल्दी से ऑर्डर कर दे। तो वो अपने मोबाइल से नॉर्मल फूड डिलीवरी ऐप पर जाता है और फूड ऑर्डर करने लगता है, लेकिन उस ऐप पर बताता है कि फूड डिलीवर होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। तभी टाकुया एक दूसरे ऐप को देखने लगता है जिसका नाम ओटोडोकेमोनो होता है, और जब वो उस ऐप के डिस्क्रिप्शन में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये ऐप खाना 2 सेकंड में पहुंचाते हैं। टाकुया को लग रहा था कि ये सिर्फ मजाक है, लेकिन यहाँ पर उसकी वाइफ युकारी का गुस्सा बढ़ रहा था और उसे कैसे भी खाना चाहिए था। तो टाकुया ना चाहते हुए भी उस ऐप से खाना ऑर्डर कर देता है। वो उस ऐप से 2 चीज़ बर्गर मंगाता है, लेकिन उनके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज्यादा थे, 800 येन। पर तभी भी ये ना देखते हुए टाकुया वो ऑर्डर प्लेस कर देता है, और जैसे ही 2 सेकंड होते हैं वैसे ही डोरबेल बजती है, और जब टाकुया डोर ओपन करता है तो एक लड़की को देखता है जो कि उसका फूड डिलीवर करने आई थी और उसने ओटोडोकेमोनो का कैप भी पहना था। टाकुया उससे पूछने लगता है कि तुम गलत ऑर्डर तो नहीं लेके आ गई। वो लड़की बिना कुछ बोले टाकुया को ऑर्डर देकर वहाँ से चली जाती है। टाकुया को अभी तक पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये क्या हुआ, इतनी जल्दी फूड आखिर कैसे आ सकता है। वो जब उस चीज बर्गर को देखता है तो वो एकदम रियल थे, और युकारी भी आके उस चीज बर्गर को खाने लगती है जो कि बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। ऑर्डर के आने के बाद युकारी से बताती है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं, तो टाकुया भी इसके बारे में सोचना बंद कर देता है। यहाँ अगले दिन युकारी अपना फेशियल करती रहती है, लेकिन वो देखती है कि उसका मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है और घर के कॉस्मेटिक्स और सारी चीजों को लाने का ध्यान टाकुया को रखना था, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रख पा रहा था। इसलिए युकारी टाकुया को डांटती है और कहती है कि वो उसका मॉइस्चराइजर जल्द से जल्द ले आए। अब टाकुया था आलसी, वो बाहर जाके लाने के बजाय सोचता है कि वो वही ऐप टोकोडोकेमोनो से ही ऑर्डर कर ले। टाकुया उस ऐप पर जाकर सर्च करता है मॉइस्चराइजर और वो डिस्क्रिप्शन में आ भी जाता है। टाकुया उस ऑर्डर को प्लेस कर देता है और 2 सेकंड के बाद ही डोर बेल बजती है। वो जब डोर ओपन करते हैं तब वही औरत आई हुई होती है मॉइस्चराइजर लेके। युकारी जब उस मॉइस्चराइजर को देखती है तब वो वही मॉइस्चराइजर होता है जो उसे चाहिए था। वो दोनों ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये ऑर्डर इतनी जल्दी कैसे लेके आ जा रहे हैं। इसके बाद तो जैसे ओटोडोकेमोनो ऐप उनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। वो लोग अब हर चीज ओटोडोकेमोनो से ही ऑर्डर करते थे, फूड, कपड़े, घर के अलग अलग सामान, वो सभी चीजें ओटोडोकेमोनो से ही मंगाते थे। एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तब वो नोटिस करते हैं कि वो जो खा रहे हैं वो टोक्यो में मिलती ही नहीं है, वो अमेरिका के एक फेमस जगह पर मिलती है। और वो दोनों फिगर आउट करते हैं कि ये ऐप दुनिया के किसी भी कोने से चीजें लाके दे सकते हैं। वो दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं और वो लोग लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है। पहली बार युकारी ओटोडोकेमोनो पे सर्च करती है 1 मिलियन येन, जिसका टोटल प्राइस आता है 1,800,000 येन। वो 800 येन डिलीवरी चार्जेस थे, जिससे कि वो लोग दूसरे आइटम की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद युकारी अलग अलग चीजें सर्च करती है जैसे कि टेलीपोर्टेशन डोर, पर वो ऐप एरर बताता है क्योंकि वो टाइप की चीज 21st सेंचुरी में अवेलेबल ही नहीं है। एक एक करके उनकी सारी फैंटेसीज डिक्लाइन होती जाती है। तभी युकारी उस ऐप में एक और चीज सर्च करती है और वो होता है युकारी का वो मैरिज रिंग जो उसने 1 साल पहले खो दिया था। वो जब उसे ओटोडोकेमोनो में सर्च करती है तो वो मिल जाता है और उसके डिस्क्रिप्शन में उसकी अंगूठी की डिटेल लिखी रहती है और वो सिर्फ 800 येन का होता है जो कि उस ऐप का डिलीवरी चार्ज था। वो ये समझ जाते हैं कि शायद ये ऐप लॉस्ट हुई चीजों को भी ढूंढ कर लेके आ सकता है, और अगर वो चीजें तुम ओन करते हो या फिर तुम उससे रिलेशनशिप रखते हो तो उसके अलग से चार्जेस नहीं लगते हैं, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लगते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो जब डोर पे वही औरत वो रिंग लेके आई हुई होती है और वो सेम रिंग होती है जिसे दोनों देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब युकारी ये सर्च करती है कि बचपन में उसका एक डॉग था जिसका नाम म्याओ था, पर वो बचपन में ही उससे कहीं खो गया था। तो युकारी उसी ऐप में अपने डॉग का नाम लिखती है और ऑर्डर प्लेस कर देती है। इस ऑर्डर का भी प्राइस 800 येन होता है जो कि डिलीवरी चार्जेस होता है। और जब वो लोग डोर पे देखते हैं तो औरत बहुत सारे बॉक्सेस के साथ आई हुई होती है। उन्हें लग रहा होता है कि शायद ओटोडोकेमोनो वाले ने गलत डिलीवरी कर दी है, लेकिन जब वो बॉक्सेस को खोल के देखते हैं तो उसमें हड्डियां मिलती हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि युकारी का कुत्ता बहुत पहले मर चुका था। लेकिन इस बार युकारी उसी ऐप पे वापस सर्च करती है उसका कुत्ता म्याओ जिंदा और हेल्थी हालत में, और वो ऑर्डर प्लेस कर देती है। वो दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं कि 2 सेकंड बाद वो औरत एक जिंदा कुत्ते को लेके आ जाती है जो कि सेम टू सेम युकारी के म्याओ जैसा दिखता था। वो लोग ये ऐप की लिमिट समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये ऐप कहां तक जा सकता है।
और कैसी कैसी चीजें उन्हें डिलीवर कर सकता है। यहाँ पर टाकुया को पता चल गया था कि ये ऐप हमें पास्ट की भी चीजें लाकर दे सकता है। यहाँ अगले दिन युकारी अपने हॉस्पिटल में होती है और वो एक पेशेंट को देखने जाती है जिसका नाम सुकोमोटो होता है। उनकी वॉच कहीं खो गई थी और वो उसे ढूंढ रहे थे, पर युकारी कहती है कि अगर वो नहीं मिले तो आप दूसरी वॉच भी ले सकते हैं। लेकिन सुकोमोटो बताते हैं कि ये उसकी वाइफ की आखिरी निशानी थी और वो दूसरी घड़ी नहीं लेगा, उसे यही घड़ी चाहिए। तभी युकारी अपनी मरी हुई माँ को याद करती है और उसे भी अपनी स्टोरी कुछ ऐसी ही लग रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने मरते टाइम उसे एक ब्रेसलेट दिया था और उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो उसकी शादी होते हुए देखे, लेकिन वो जल्दी ही चली गई। घर पे आने के बाद युकारी काफी रोते रहती है और वो गुस्से में आकर उसी ओटोडोके मोनो ऐप पर अपनी माँ को ऑर्डर करती है हेल्थी कंडीशन में। यहाँ पर टाकुया युकारी को ये ऑर्डर प्लेस करते हुए देख लेता है और वो उसे काफी रोकता है, लेकिन जब युकारी उस ऑर्डर को देखती है तब उनका प्राइस 167 मिलियन येन होता है। पर युकारी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और वो ऑर्डर प्लेस करते रहती है, लेकिन वो ऐप एरर बताता है। तब पता चलता है कि ये ऐप एरर थ्रो करता है अगर ऑर्डर आपके बजट में ना हो, और युकारी काफी रोने लगती है। टाकुया उसे संभालता है। यहाँ अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ टाकुया युकारी का वेट कर रहा होता है और युकारी काफी लेट हो गई थी, वो हॉस्पिटल से लेट निकली थी। टाकुया को काफी फिकर होने लगती है और वो काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो जाता है। टाकुया ओटोडोके मोनो ऐप पर जाकर अपनी वाइफ का नाम सर्च करता है और जब वो सर्च करता है तब वो देखता है कि उसका प्राइस सिर्फ 800 येन है, मतलब कि सिर्फ डिलीवरी चार्जेस था। लेकिन यहाँ पर टाकुया ने युकारी को ओन नहीं किया था बल्कि उनका रिलेशनशिप था, क्योंकि वो दोनों मैरिड थे, तो इसलिए बिना कुछ सोचे टाकुया वो ऑर्डर प्लेस कर देता है और दो ही सेकंड में उसकी वाइफ युकारी वहां पर पहुंच जाती है, जो कि डिलीवर की गई थी ओटोडोके मोनो ऐप से। उसे तो ये बिल्कुल मैजिक लग रहा था और इसके बाद टाकुया वो ऐप को रेगुलरली यूज करने लगा युकारी को घर लाने के लिए हॉस्पिटल के बाद। वो दोनों इस ऐप का यूज अब ओवरसीज वेकेशन पे भी जाने के लिए करने लगे थे, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाने के लिए, और वो लोग इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस घूमते हैं और काफी पैसे बचा लेते हैं। यहाँ पर युकारी उसी ऐप का यूज करके मिस्टर सुकोमोटो की लॉस्ट हुई वॉच को भी ढूंढ निकालती है। मिस्टर सुकोमोटो काफी हैप्पी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे एक बार याद करना। यहाँ पर एक दिन टाकुया युकारी के लिए खाना बनाते रहता है, वो उसके लिए अलग अलग डिश बनाता है, लेकिन युकारी को आने के लिए लेट हो गया था और वो हॉस्पिटल से लेट आई थी, इसलिए टाकुया को काफी फिकर होने लगती है। और यहाँ पर युकारी भी हॉस्पिटल में होती है, उसे अपने हस्बैंड की भी काफी याद आती रहती है और वो चाह रही थी कि उसका हस्बैंड यहाँ पर आ जाए, तो इसलिए वो भी ओटोडोके मोनो ऐप ओपन कर लेती है और टाकुया का नाम सर्च करके उसे ऑर्डर करती है। वो दोनों एक ही टाइम पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और वो जैसे ही क्लिक करते हैं वो दोनों गायब हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं एक अलग ही यूनिवर्स में, जो कि ओटोडोके मोनो का ही यूनिवर्स होता है। वहां पे बहुत सारे दरवाजे लगे होते हैं, लेकिन जब वो लोग वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं निकल पाते। उन्हें पता चल गया था कि वो वहां पे फंस गए हैं। तभी टाकुया अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और बताता है कि वो वही ऐप का यूज करके उसका नाम सर्च करके ऑर्डर करे। लेकिन जब टाकुया का दोस्त टाकुया का नाम डाल के सर्च करता है तब उसका प्राइस 200 मिलियन येन होता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसे ओन नहीं किया था या फिर उसका बहुत गहरा रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए उसका प्राइस इतना ज्यादा था। वो दोनों कपल को समझ आ जाता है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे करते करते 3-4 महीने निकल जाते हैं। टाकुया अपना काम करता रहता है और युकारी फोन पे ही लगी रहती है। ये सब चीज होने की वजह से टाकुया काफी चिड़चिड़ा हो गया था, उसे बात बात पे गुस्सा आने लगा था। यहाँ पर युकारी का डॉग टाकुया को काफी परेशान कर रहा था और वो पहले से ही ज्यादा चिड़चिड़ा था, इसलिए वो युकारी पर भड़क जाता है और उसे थप्पड़ भी मार देता है और कहता है कि तुम अपने डॉग को संभाल नहीं सकते। वो दोनों में काफी झगड़ा होता है और टाकुया इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसके पास एक प्रपोजल लेके जाता है कि तुम अभी मुझसे डाइवोर्स ले लो और तुम किसी दूसरे पार्टनर के साथ शादी कर लो, जो कि तुम्हें रियल वर्ल्ड से ऑर्डर कर सकता है, और फिर तुम उससे ब्रेकअप करके वापस मुझे ऑर्डर कर सकती हो, जिससे कि हम वापस शादी कर लेंगे। युकारी इस बात को अच्छे से समझ नहीं पा रही थी। यहाँ अगले दिन टाकुया युकारी को उस कमरे में सर्च करता रहता है और उसे पता चलता है कि युकारी यहाँ पर है ही नहीं। वो जब युकारी को कॉल लगाता है तब युकारी रियल वर्ल्ड में थी और वो टाकुया को बताती है कि उसने मिस्टर सुकोमोटो को कॉल किया और उन्हें उसी ऐप से उसे ऑर्डर करने के लिए कहा, और सुकोमोटो ने फुल प्राइस पे करके, जो कि 200 मिलियन येन था, युकारी को ऑर्डर कर लिया और वो रियल वर्ल्ड में पहुंच गई। लेकिन तभी टाकुया उससे कहता है कि तुम उनसे ब्रेकअप करके और मुझसे शादी कर लो। लेकिन यहाँ पर युकारी अपना डिसीजन बना चुकी थी और वो कहती है कि वो मिस्टर सुकोमोटो से ही शादी करेगी, क्योंकि वो बहुत अमीर है और युकारी को यहाँ पर बेटर लाइफस्टाइल मिल सकती है, और ये कहते हुए वो फोन रख देती है। यहाँ पर टाकुया पूरी तरीके से टूट चुका था। अब टाकुया को यहाँ पर काफी साल हो चुके थे, वो बूढ़ा भी होने लगा था, उसे लग रहा था कि वो यहाँ से अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी वही औरत आती है
जो टाकुया को डिलीवरी देने आती थी। टाकुया उस औरत से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे यहाँ से बाहर निकाले, और वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तभी वो औरत उसे एक ऑप्शन देती है उसी की तरह डिलीवरी बॉय बनने का। और टाकुया ये पहला आदमी नहीं है जो कि इसी तरीके से डिलीवरी बॉय बना था। उसी तरीके से काफी ज्यादा लोग इसमें फंस चुके थे ओटोडोके मोनो ऐप का। और एक दिन युकारी जब उसी ओटोडोके मोनो ऐप से ऑर्डर करती है, तब वो देखती है कि ऑर्डर देने के लिए टाकुया आया हुआ है, और वो ओटोडोके मोनो ऐप का डिलीवरी बॉय था। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दो, और हमारी टीम इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाते रहती है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।